हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सभी लोगों के साथ एक ब्राइडल लुक शेयर करने वाली हूँ, जो कि बहुत ही सिंपल है और जो कि बहुत ही मिनिमल प्रोडक्ट यूज़ करके मैंने तैयार किया है। तो सबसे पहले मैंने स्किन को टोनिंग कर लिया है डॉट इन की का टोनर से। उसके बाद मैंने मॉइस्चराइजेशन भी कम्प्लीट कर लिया है डॉट इन की का मॉइस्चराइजर से। ये विंटर में मेरा ब्राइट था तो इसलिए उनका स्किन बहुत ही अच्छी कंडीशन में थी। उसके बाद मैंने एक प्राइमर लगाई है जो कि ELF का इल्यूमिनेटिंग प्राइमर है। उसके बाद देखिए, मैंने इनसाइड कॉस्मेटिक्स का एक ऑरेंज करेक्टर लगाई है। तो आप लोगों का सभी का मतलब क्वेरीज रहेगा कि मैंने इनसाइड का क्यों यूज़ किया है, मैंने प्रोफेशनल कोई कंसीलर यूज़ नहीं किया है। तो ये मेरा बहुत ही मिनिमल बजट में एक ब्राइट था। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा होगा कि मैंने एक मिनिमल बजट में भी एक ब्राइट तैयार की है। तो देखिए, उसके बाद मैंने क्या किया है, उनके फुल फेस पे PSC का फाउंडेशन लगाई है। ये मेरा बहुत ही बजट फ्रेंडली ब्राइट था, उनका बजट बहुत ही लो था, तो इसलिए मैंने उनके फेस पे जो भी बजट फ्रेंडली प्रोडक्ट मिलता है बाज़ार से, वो वाला मैंने ही यूज़ किया है। कोई मैंने हाई एंड प्रोडक्ट यूज़ नहीं किया है। उसके बावजूद भी आप देखिएगा कि इनका लुक कितना सुंदर आया है। फुल फेस पे मैंने उनके फाउंडेशन डाली है। उसके बाद देखिए, मैंने MAC का कॉम्पैक्ट यूज़ किया है। आप अगर सब कुछ भी लो बजट में यूज़ करते हो, लेकिन फिर भी आप कॉम्पैक्ट थोड़ा सा हाई एंड का यूज़ करने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद क्या होता है कि ये आप अगर यूज़ करते हो तो आपका जो लुक है वो बहुत ही ज़्यादा शाइनिंग एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। और ये जो भी मैंने यूज़ किया है, इनको बहुत अच्छी तरह से सेट भी कर देता है अगर आप एक हाई एंड का कॉम्पैक्ट यूज़ करते हो। उसके बाद देखिए, मैंने चारमेसी का एक ब्लश लगाई है जो कि है पीची पिंक कलर में। उनको बहुत ही नेचुरल लुक चाहिए था और बहुत ही एकदम हल्का सा एक लुक चाहिए था। दैट्स वाई कि मैंने जो ब्लश लगाई है वो भी मैंने बहुत ही हल्का लगाई है। तो देखिए, उसके बाद मैंने एक आई लुक क्रिएट किया है। ये वाला जो आई लुक है वो बहुत ही सिंपल है, आप जस्ट यू ब्रश की मदद से कर लेते हो। तो देखिए, ब्रश की मदद से मैंने एक लाइट ब्राउन कलर को फुल आँखों में और आँखों के ऊपर में लगाई है और उसको बहुत अच्छी तरीके से ब्रश की मदद से ब्लेंड किया है। एंड देन मैंने मिडिल पोर्शन पे और एक कलर लगाई है जो कि थोड़ा सा डार्क ब्राउन है। तो ये वाला लगाने के बाद ही मेरा जो आई लुक है वो कंप्लीट हो गई है। उसके बाद मैंने मिडिल पोर्शन पे थोड़ा सा शिमरी एक कलर यूज़ किया है उंगली की मदद से, जो बहुत ही लाइट है। तो ये वाला आई लुक आप किसी के आँखों में भी ट्राई कर सकते हो, ये बहुत ही सिंपल एंड हल्का एक लुक देता है। उसके बाद देखिए, मैंने एक चारमेसी का मस्कारा यूज़ किया है उनके आँखों के लैशेस में थोड़ा सा एक्सटेंड करने के लिए। मेरा ये जो ब्राइट है, उनको सब कुछ मतलब कुछ भी लगाने से वो मना कर रही थी। उन्होंने मुझे बोला कि उनको आईलैश भी नहीं लगाना था, तो मैंने सबसे पतला वाला जो आईलैश था वो मैंने लिया है और उनको ये बोला था कि अगर आपको पसंद नहीं आया है तो मैं वो आईलैश जो लगाई हूँ वो मैं खोल दूँगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप पहले ट्राई कीजिए। उसके बाद देखिए, PSC का आईब्रो प्रोमेट मैंने लिया है और उनके आईब्रोज़ को बहुत अच्छी तरीके से शेप में दे दिया है। उनका आईब्रोज़ वैसे तो शेप में ही था, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा सा डार्क किया है क्योंकि देखिए, आईब्रोज़ में थोड़ा सा वाइटिश कुछ लग गया होगा फाउंडेशन ब्लेंडिंग के टाइम। तो उसके बाद मैंने उनके आईब्रोज़ कम्प्लीट करने के बाद एक आईलाइनर की मदद से उनकी आँखों के ऊपर के पोर्शन पे थोड़ा सा आईलाइनर मैं दे दिया। वो आईलाइनर जो है तो पतला तो नहीं था, लेकिन मीडियम मोटा करके मैंने लगाई है। उसके बाद देखिए, एक बिंदी जो कि साइज़ में बहुत ही छोटी है। उसके बाद मैंने MAC का हाइलाइटर यूज़ किया है। सब कुछ मैंने लो बजट का नहीं यूज़ किया है। आप देख सकते हो, जैसे कि हाइलाइटर मैंने हाई एंड का यूज़ किया है शाइन ठीक ठाक लाने के लिए, कॉम्पैक्ट हाई एंड का यूज़ किया है, और PSC का जो फाउंडेशन है वो मैंने बजट फ्रेंडली यूज़ किया है। तो सब मिक्स एंड मैच करके ये वाला जो ब्राइडल लुक है वो मैं लाई हूँ, जो बहुत ही लो बजट का ब्राइडल लुक है। उसके बाद देखिए, आईलैश लगाने के बाद ये कितना क्यूट लग रही है। तो पहले तो उनको पसंद नहीं था आईलैश लगाना, लगाने के बाद उन्होंने बोला कि ये बहुत ही हल्का आईलैश है और मेरी आँखों में कोई हेवी कुछ फील नहीं हो रहा है, तो मैं लगा सकती हूँ।
तो उन्होंने कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाया। उसके बाद उनसे पूछ के वो आईलैश को एंड तक रखी है। तो ये बहुत ही खुशी की बात थी मेरे लिए, क्योंकि पहले वो ना कर रही थी कि उनको आईलैश नहीं लगाना है, लेकिन लगाने के बाद उनको बहुत ही पसंद आ गया। उसके बाद देखिए मैंने एक न्यूड लिपस्टिक शेड लगाई है, क्योंकि उनको लुक बहुत ही हल्का चाहिए था। ये मिसकंसेप्शन रहता है हमारे बीच कि अगर हमको हल्का वाला लुक चाहिए तो फाउंडेशन हल्का डालना होता है, लेकिन ये बिल्कुल सही नहीं है। फाउंडेशन बेस आपको प्रॉपर क्रिएट करना है। आपके आँखों के मेकअप और होठों के मेकअप जो है वो हल्का करने से आपका हल्का वाला एक लुक आ जाता है। उसके बाद सेटिंग स्प्रे लगाने के बाद देखिए मैंने उनकी जो पीछे का जो जुड़ा है वो भी मैंने बांध लिया है, एक बन किया है, और उसमें थोड़ा सा कॉरम फूल बोलते हैं, ये जो फ्लावर मैंने लगाई है इसको कॉरम फूल बोलते हैं, ये मैंने उनके फूल खोपा में बहुत अच्छी तरीके से लगा दिया है पिंस एंड यू पिंस के मदद से। तो देखिए उनका जो फुलफिल लुक है वो बहुत ही अच्छी तरीके से आ गया है। फिर उनके कुछ सिंपल ज्वेलरीज थे वो मुझे डालना था उनकी गले पे। तो देखिए पहले वाला ये नेकलेस उन्होंने पहना, एंड सेकंड में और एक माला और दूसरा एक माला पहना है, और उनके आँखों उनकी कानों में थोड़ा सा छोटा छोटा दो ईयर रिंग्स वो डाले थे। उसके बाद उनका स्पेशल लुक था कि उनको भर भर के सिंदूर पहनना था, तो मैंने भर भर के उनकी जो भी पोर्शंस बाकी थे माथे पे वहाँ पे मैंने सिंदूर बहुत अच्छी तरीके से थोड़ा सा स्प्रेड करके लगा दिया है। एंड देन उनको एक स्पेशल लुक चाहिए थे कि घूंघट उनको लगाना है। उनका जो लुक है वो ससुराल में जा रहे थे, तो दैट्स वाई कि उनको घूंघट से सजाना था मुझे। तो ये वाला बहुत ही एक स्पेशल लुक आता है बंगाली में, तो घूंघट वाला लुक, दुपट्टा वाला लुक, साड़ी से ही घूंघट बनाना। तो देखिए घूंघट डालने के बाद इनको कितना अच्छा लग रहा है। ये जो घूंघट है वो मैंने बहुत अच्छे तरीके से टक किया है। उसके बाद देखिए ये है उनका फाइनल लुक। तो आप बताइएगा कि आपको ये वाला लुक कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। बहुत दिनों के बाद वीडियो डाल रही हूँ, बीच में मुझे टाइम नहीं मिला था, दैट्स वाई। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि बजट फ्रेंडली ब्राइडल मेकअप आपको कैसा लगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत बहुत जल्दी।